केवी त्रिपाठी जी, जी दो विषयों पर आपकी राय चाहिए मुझे। एक तो ये यूपी में जो बड़ा बदलाव है, यदि इतना बड़ा बदलाव है कि इस पर सारी पार्टियों पर असर पड़ता है, है? भाजपा बढ़ती है तो भी बाकी के लिए मुसीबत है, भाजपा घटती है तो भी आपके लिए खुशखबरी है। कुछ तो होगा, बढ़ेगी या घटेगी, कुछ तो करेगी, तो आप प्रभावित होंगे सीधे, जेडी साहब भी होंगे। और दूसरा एक ये कि अभी आप ममता बनर्जी से नहीं निपट पा रहे थे, पवार साहब की हसरतों से नहीं निपट पा रहे थे, अब सब पर भारी नीतीश बाबू आ गए और सब उनके पीछे लामबंद हो रहे हैं, करे अब नीतीश कुमार वर्सेज नरेंद्र मोदी लड़ाई होगी। यानी मतलब ये स्थिति आ गई कि कांग्रेस में गांधी परिवार से कोई मान्य तैयार नहीं, कि नहीं गांधी परिवार के पीछे नीतीश बाबू ये ताकत लगाएंगे, वो करे अब नीतीश बाबू लगेंगे, अब कौन है भाई? इस पर मैं जरा समझना चाह रहा था जी। अमिताभ जी, दोनों प्रश्नों को मैं आपके सामने संक्षेप में रख। पहला तो आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का जो ऑपरेशन है ये बात बहुत गंभीर है, और ऑपरेशन जो शब्द आप दे रहे हैं वो जरूरी भी था, क्योंकि जब सड़ांध पैदा हो जाए और सेल्स डैमेज हो जाए तो काट के निकाली ही जाती हैं। ये लड़ाई सिर्फ पति पत्नी जितनी नहीं है, जैसा अभी आलोक जी ने कहा, ये उससे कहीं ज्यादा पहुंच चुकी है। पूरे उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और प्रशासन पटरी से उतर चुका है। अभी आपने ट्रांसफर पोस्टिंग वाला मामला देखा और ये सारी चीजें देखी, तो कहीं ना कहीं जब सत्ता में इस तरह की स्थितियां पैदा हो जाएंगी तो उसका दुर्भाग्य है प्रदेश का कि ऐसी सरकार चल रही है यहाँ, तो उसके लिए ऑपरेशन है। और इससे ये भी पता लग रहा है कि बीजेपी ये मान रही है कि उनके यहाँ गड़बड़ है, इसको ठीक करना है, लेकिन अब ये ठीक होने वाला नहीं है क्योंकि जनता बहुत परेशान हो चुकी। दूसरा आपका प्रश्न था बिहार को लेकर कि नीतीश बाबू आ गए हैं और वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, ऐसा अभी कोई नहीं कह रहा है, ममता जी भी जान रही हैं, सबका उद्देश्य यही है। त्रिपाठी जी, एक एक विनम्र सवाल है, बहुत मासूम सवाल है, उस पर थोड़ा ज्ञान मेरा बढ़ाइए। आज तक कोई ऐसा उदाहरण याद है जिसमें किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा हो कि मैं प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार हूं? अरे हम उड़ती चिड़िया पर देख के बता दे कि कौन उम्मीदवार बनना चाह रहा है। नहीं बिल्कुल, आप भी गजब करते हो, बोले किसी ने कहा क्या? अरे कोई कहता है क्या महाराज? नहीं नहीं, संकेतों से ही राजनीति तय होती है अमिताभ जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन संकेतों को देख के भी ये पता लग रहा है कि अभी कांग्रेस ने समर्थन दिया और वो मुख्यमंत्री बने हैं, और ऐसा कतई नहीं है कि अभी 24 का टारगेट सभी विपक्षी दलों का यही है कि किसी तरह से इनकी सरकार हटाई जाए, जो तानाशाही की सरकार है, बाकी तो हमारे सांसद मिलकर तय कर लेंगे कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। ठीक बात है जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है जी, बिल्कुल ठीक बात है। त्रिपाठी जी की बात से राखूं, मैं उस पर बहस नहीं करूंगा, लेकिन जैदी साहब आ रहा हूँ आपके पास, लेकिन नावेद बाबू राजनीति जो है ना इतनी सरल है नहीं। बिल्कुल, एक राज्य के मुख्यमंत्री की को लेकर झंझट चल रहा था, एक छोटा सा छेपक सुना दूं, सबको आनंद आएगा। जो हमारे दोस्त त्रिपाठी जी ने कहा कि बाद में सांसद तय कर लेंगे, अभी परम पावन पुनीत लक्ष्य लेके सारे लोग लड़ रहे हैं, है गौतम बुद्ध की तरह, तो उसमें कुछ विधायकों की जरूरत थी खरीदने की, तो 20 विधायक दिल्ली आ गए। जेडी साहब आप भी सुन लो, ये सब जानकारी रहनी चाहिए, आगे बड़े नेता बनोगे तो ये सब जानकारी होनी चाहिए। 20 विधायक दिल्ली आ गए, उन्होंने यहां संपर्क किया कि भाई हमारा लगवा दो रेट तो हम बिक जाए तो काम आगे बढ़े, तो रेट वेट खुला। मैं जैसे बता रहा हूं वैसे ही होता राजनीति में, इसमें चौंकना नहीं ना, बहुत लोड लेना हार्ट पे, ऐसे ही होता है इसमें। मैं तो टीवी पर हूं इसलिए कुछ संवेदनशील विषय नहीं खोल रहा हूं, वरना होता इससे भी नीचे है। तो किसी ने मुख्यमंत्री पद के एक सबसे प्रभावशाली उम्मीदवार को नॉक किया वहां और कहा कि भाई अगर आप कहो तो हम लाइनअप करा दें, क्या अब है मूल बात? उन्होंने कहा कि भाई साहब मैं इनको अगर पेमेंट कर दूं 200 के आसपास जाएगा, है 200 के आसपास, ठीक, और मान लीजिए हाईकमान ने बाद में केवी त्रिपाठी पे दांव लगा दिया, तब पहले चेहरा क्लियर हो जाए, तब राजनीति ऐसे होती। त्रिपाठी जी, ऐसा संत कौन है जो कहे बाद में देख लेंगे, अभी लड़ते रहो ना, वो गाड़ी में धक्का ही तब लगाते जब ये तय कर लेते गाड़ी में बैठेगा कौन, चलाएगा कौन, खाली पीली धक्का लगवा लो और बाद में निकल जाओ, ऐसा ऐसा भला कौन करता है ना। मिशन जैदी, वही सवाल आपसे, भारतीय जनता पार्टी का ऑपरेशन एक, और
नीतीश के आने के बाद उत्तर भारत में यानी हिंदी भाषी भारत में पिछड़ों का सबसे बड़ा चेहरा या ऐसा चेहरा जो राष्ट्रीय स्तर पर, क्योंकि अब लालू जी मुलायम सिंह यादव दोनों सक्रिय नहीं स्वास्थ्य के कारणों से, ठीक, तो सबसे बड़ा चेहरा नॉन चेहरा अब बचते हैं नीतीश कुमार। क्या आप मान रहे हैं, देख रहे हैं कि अब नीतीश कुमार के पीछे लामबंद होगा अपोजिशन? एक और दूसरा, भाजपा ने यूपी में यह बड़ा परिवर्तन क्यों किया, समाजवादी पार्टी की समझ क्या कहती है? जी अमिताभ जी, भारतीय जनता पार्टी का मामला है और उनका इसमें उनकी पार्टी की अपनी व्यक्तिगत राय है। मी समझे थी, एक मिनट रुक जाओ, आपको भी अभी समझा दे। आंतरिक मामला कुछ नहीं होता बाबू, इस गलतफहमी तुरंत दिमाग से निकाल दो। अगर वहां रामगोपाल यादव का पुतला फूंका जा रहा गया पश्चिम में समाजवादी पार्टी के लड़कों ने फूंका, तो वो आंतरिक मामला सपा का नहीं है, उससे कांग्रेस की सेहत पर भी असर पड़ेगा, भाजपा की भी पड़ेगा, बसपा की भी पड़ेगा। आंतरिक क्या होता है? जी मैं वही आ रहा हूँ आगे, कि जैसा कि अभी हमारे त्रिपाठी जी ने जो बात की, उससे मैं सहमत हूँ कि ऐसा है कि क्या हमेशा से भर में शो वाली राजनीति है, कहीं ना कहीं अखर रहे होंगे और हर आदमी कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक साख को बचाने के लिए कदम लिया गया है जी। और मेरा इशारा आप समझ गए होंगे कि जब उन्हें ये लगता है कि किसी आदमी को नेता नहीं बनना है और उसको आगे बढ़ करके अपनी राजनीतिक जो जमीन है वो कहीं खोती हुई नजर आती है, तो इस तरह के फैसले हमेशा भारतीय जनता पार्टी लेती है। हालांकि जो बंसल जी की जो उपलब्धियां थी और बंसल जी ने जो अपने पार्टी के लिए उनके संगठन के लिए किया वो हमसे ज्यादा आप जानते हैं और आपने उसके बारे में बताया भी और नागेश सिंह जी ने भी उनका जिक्र किया, बट यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इससे कोई लेना देना नहीं है, कोई सरोकार नहीं है, लिहाजा ये कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित होकर के फैसला लिया गया है। और भारतीय जनता पार्टी में हमेशा से ये रहा है कि जो बलिदान करने वाले लोग हैं उनको भूल लिया जाता है और वो अपने मूल सिद्धांतों के आधार पर ये फैसले लेते हैं, मुझे ऐसा लगता है। कहां पर भूला कहां है भाजपा भाई, भाजपा ने तो उनको तीन स्टेट का इंचार्ज बना दिया, राष्ट्रीय महामंत्री बना के, अभी प्रदेश में महामंत्री थे भैया। किसी को खत्म करने से पहले अगर कोई पहलवान है तो उसका वेट आप बढ़ा दे इतना कि जब उठाने में असफल हो जाए तो अपने आप किनारे जाके बैठ जाएगा। इतनी बड़ी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं देना ये दग्दाई है अमिताभ जी, आपने भी जिक्र किया भी और ये बहुत जिस तरह की ये बात निकल कर के आई है उस जगह पर भेज दिया जहां पर आप फ्रूटलेस एफर्ट रहेगा, निष्फल प्रयास रहेगा, जहां पर आपकी मेहनत जो है वो दिखाई नहीं देगी। रेगिस्तान में अगर आपको गड्ढा खोदने के लिए भेज दिया जाए पानी इंतजाम कराने के लिए तो आप वहां पर रेजिस्टेंस क्या समझ सकते हैं? जैसा कि हालांकि आपने भी डिबेट में पहले भी बताया कि तेलंगाना और पश्चिम बंगाल में और इस तरह से वहां पर अभी जो है भारतीय जनता पार्टी का किसी भी तरह का कोई राजनीतिक करियर अभी फिलहाल है नहीं, तो उस जगह पर भेज देने का मतलब साफ जनता ही राय होता है कि जनता मूर्ख नहीं हो, जनता भलीभांति बात को समझ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के उद्देश्यों को उनकी कही गई बातों को, क्योंकि जिस तरह से बिहार के अंदर ये भी आपने देखा कि इस तरह से जो परिवर्तन आया है जिसमें से सुशासन बाबू कहे जाने वाले नीतीश जी के बारे में, अब देखिएगा भारतीय जनता पार्टी के लोग उन्हीं को किस किस तरह से कोसेंगे, पानी पी पी के और गालियां देंगे कि ये किस तरह से, क्योंकि अभी तक के भारत सुशासन में सब सबको देते, गाली का क्या मतलब है जी, सुशासन बाबू थे और अभी देखिएगा ये किस तरह से सुशासन हो जाएंगे और एक से ज्यादा धरती पर कोई इस तरह का मानव बचेगा नहीं कि जो उनको इस तरह की उपलब्धियां। ठीक ठीक ठीक, एक एक प्रश्न में नावेश को और आलोक पांडे दोनों से लूंगा, फिर उस पर आरके मिश्रा से टिप्पणी लूंगा, पहले जरा विषय खड़ा हो जाए, नहीं भी आरके जी बच के निकल जाएंगे, मेरे दोस्त हैं, मैं जानता हूं वो चतुर प्रवक्ता है। आलोक पांडे, चयनित मुख्य नामित मुख्यमंत्री और निर्वाचित मुख्यमंत्री की हैसियत में जमीन आसमान का अंतर होता, कुर्सी एक ही होती, लेटर हेड एक ही होता, सील मोर एक ही होती है, लेकिन जिसको औरा बोलते हैं ना अंग्रेजी में, हिंदी में आभा मंडल या भौकाल या हैसियत कुछ भी मान लो, इकबाल कल्याण सिंह जी कहते थे इकबाल, उसमें जमीन आसमान का अंतर होता था। पहले कार्यकाल में योगी आदित्यनाथ नॉमिनेटेड चीफ मिनिस्टर थे, दूसरे कार्यकाल में निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं, इलेक्टेड हैं जनता से जी। क्या इसका फर्क देख रहे हैं आप, इस परिवर्तन जो हुआ है ऑपरेशन? सर ये बात बिल्कुल सही है,
राजनीति में जो व्यक्ति जनता का नायक होता है, तो योगी जब पहली बार बने थे तब वो जननायक नहीं थे, वो भारतीय जनता पार्टी की सामूहिक विजय थी। लेकिन कोरोना काल के बाद, इतनी विपरीत स्थितियों के बाद, योगी आदित्यनाथ जी की जो अब दोबारा बीजेपी आई, उसमें योगी आदित्यनाथ जी का प्रमुख ऑरा है। तो अब कोई व्यक्ति जो योगी आदित्यनाथ जी के टक्कर में है या उनकी इच्छा अनुकूल नहीं है, फिर उसको उत्तर प्रदेश में जगह नहीं मिलेगी। सर, ये राजनीति का नियम है। और मैं कह दूं, पति पत्नी वाली बात से ही इसे फिर लिंक करता हूं। जी सर, आप देखेंगे पति पत्नी में जब शादी होती है ना, हम लोग कितने हनीमून पीरियड होता है, कितनी मीठी मीठी बातें करते हैं, स्विट्जरलैंड तक जाते हैं अगर हैसियत है, जी नहीं तो नैनीताल। लेकिन अगर पति पत्नी में ना पटे और साहब तलाक की अर्जी हो जाए, आप देखिए फिर कैसे सिर फुटोबल होती है। तो जो नीतीश कुमार जी के साथ जो चीजें अभी चलेंगी बीजेपी में, अब ये तलाक के बाद तो ये होना ही है। जी होता ही है। दो बार जी जो होता है। नवेश शिको वही बात, मनोनीत और निर्वाचित कल्याण सिंह भाजपा के अब योगी जी सेकंड टर्म से पहले एकमात्र मुख्यमंत्री थे जनता से निर्वाचित, तो उनका और आपने देखा ही होगा उस वक्त आप पत्रकारिता कर रहे होंगे लखनऊ में, तो बिल्कुल ठीक है। उस समय आपको याद है संगठन महामंत्री कौन था? कोई याद नहीं होगा जी, नहीं। किसी का दरबार लगता था? नहीं, नहीं। लालजी टंडन थोड़ी बहुत करते थे कोशिश, लेकिन लगा नहीं पाते थे। बिल्कुल ठीक। गाजीपुर से गाजियाबाद, बस्ती से बहराइच तक एक ही नाम होता था, कल्याण सिंह। वही ये सेकंड बार जब भाजपा आई है इस बार दूसरी बार, तो योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर भी जनता ने मोहर लगाई। बिल्कुल। तो यानी ये कल्याण सिंह के बाद ये दूसरे व्यक्ति हैं भाजपा में अब तक के इतिहास में जो उत्तर प्रदेश में जनता से निर्वाचित मुख्यमंत्री हुए। तो उसके बाद तो एक ऑपरेशन बनता ही था।